आज की हमारी रेसिपी है गुलाब जामुन। हम जब कभी भी किसी शादी में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं और वहाँ जब हम गुलाब जामुन खाते हैं तो हमें लगता है कि इतना सॉफ्ट, इतना स्वादिष्ट और इतना परफेक्ट गुलाब जामुन आखिर हलवाई कैसे बना लेते हैं। तो आज की बनाई रेसिपी अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल वैसे ही गुलाब जामुन बना सकते हैं जैसे कि हलवाई शादियों में या फंक्शंस में बनाते हैं। ये देखिए, गुलाब जामुन को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये गुलाब जामुन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हलवाई बनाते हैं। तो ऐसा बढ़िया, लजीज और सॉफ्ट गुलाब जामुन बनाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गेट इंस्पायर्ड व्लॉग्स में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना शीरा तैयार कर लेते हैं, यानी चाशनी तैयार करते हैं। उसके लिए हम एक गहरा पॉट लेंगे और उसमें 2 कप चीनी लेंगे। चीनी डालने के बाद हम उसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। ये मैंने इसमें पानी डाल दिया, ये हो गया 1 कप पानी। इसके बाद 1/2 कप या 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी हम और इसमें डालेंगे। तो ये मैंने इसमें 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी और डाल दिया है। पानी डालने के बाद अब हम गैस को ऑन कर देंगे। ये मैंने गैस को ऑन कर दिया है और अब मैं इसे थोड़ा चला देता हूं। चीनी जब थोड़ी पिघलने लगे, ये देखिए जब चीनी थोड़ी पिघलने लगेगी उस समय हम इसमें थोड़ी हरी इलायची क्रश करके डाल देंगे। आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने क्रश करके हरी इलायची को डाला है। और इसके बाद जब चीनी बिल्कुल गल जाए उसके बाद हम इसमें सैफरन डालेंगे, यानी केसर डालेंगे। केसर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर अवेलेबल है तो आप केसर डालें, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ हरी इलायची डालकर भी चाशनी बना सकते हैं। सैफरन डालने से एक थोड़ा अलग फ्लेवर आता है और थोड़ा कलर आता है चाशनी में। ये देखिए, अब हम इसे थोड़ी देर तक बॉयल करेंगे और ये देखिए अब सैफरन का कलर आ गया है हमारी चाशनी में और कार्डमम का फ्लेवर आ गया है। सैफरन का भी अपना एक फ्लेवर होता है। ये देख लीजिए, इसे एक तार तक ही हमें पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है। तो ये अब हमारी चाशनी तैयार है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद आइए अब हम गुलाब जामुन के बॉल्स बनाते हैं। उसके लिए हम 250 ग्राम खोआ लेंगे, यानी मावा लेंगे। करीब 100 ग्राम हम इसमें पनीर लेंगे, 80 से 100 ग्राम आप पनीर ले लीजिए। और इसमें 50 से 60 ग्राम हम इसमें मैदा लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बड़ी प्लेट या परात लेंगे और उसके बाद हम उसमें पनीर को डालेंगे। ये मैं इसमें पनीर डाल लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, इस पनीर को हमें बहुत अच्छी तरीके से मैश करना है। इसे ये देखिए ऐसे बिल्कुल हाथों से रगड़ रगड़ कर आप इसे बिल्कुल बारीक कर दीजिए। ये देखिए, इसमें थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी लेकिन वो मेहनत आपकी सफल होगी और आपको इस रेसिपी में सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सॉफ्ट गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो ये देखिए, ये मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब पनीर को मैं एक बॉल में रख दूँगा, ये बॉल है और इसमें मैंने पनीर को रख दिया है। अब हम अपना खोया लेंगे, यानी मावा लेंगे और मावा को छोटे छोटे पीसेस में पहले तोड़ेंगे और उसके बाद मावा को भी हम अच्छी तरीके से मैश करेंगे हाथों की मदद से। इसे बिल्कुल बारीक मैश कर दीजिए आप और उसके बाद ये देखिए, ये कुछ ऐसा सॉफ्ट सा बिल्कुल आपको मावा दिखाई देगा। अब इसके ऊपर हम जो हमने पनीर को मैश करा था उसे हम इसके अंदर मिलाएंगे और फिर इन दोनों को मिलाकर आप अच्छी तरीके से मैश करिए। इसमें 10 से 15 मिनट का टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन ये आपके गुलाब जामुन को बिल्कुल शानदार बनाएगा। तो ये देखिए, ये अब दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें, मैदा डालने के बाद
आप इसे बहुत ज़्यादा देर तक गूंधे नहीं, इसे हमको आटे की तरह का एक डो तैयार करना है, लेकिन हमें इसे बहुत ज़्यादा नीट नहीं करना है, बस हमें थोड़ा सा नीट करने के बाद और आटे जैसा एक डो बना लेना है हमको। ये लीजिए, हमारा डो अब बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसके हम गुलाब जामुन के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। एक बॉल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये एक छोटी सी लोई लीजिए आप, नींबू के साइज़ के बराबर का एक बॉल बनाइए। ये देखिए, इसे अच्छी तरीके से पहले प्रेस करेंगे और उसके बाद इसके बॉल्स बनाएंगे दोनों हाथों की मदद से। ये देखिए, इसका मैंने बॉल तैयार कर दिया है। अब इसी तरीके से हम पूरे डो के बॉल्स बना लेंगे। लीजिए जी, हमारे गुलाब जामुन के बॉल्स बिल्कुल बनकर तैयार हैं। चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। बॉल्स को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे हम और उसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगेगा इसमें, क्योंकि हमको इसे डीप फ्राई करना है और इसे बिल्कुल वैसे फ्राई करना है जैसे हम स्विमिंग पूल में स्विम करते हैं, तो पानी ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा होता है उसमें। इसी तरह हमारी कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा होगा। ये लीजिए, पहले एक बॉल मैं इसमें डालकर और इसे फ्राई करके चेक कर लेता हूँ कि इसका टेम्परेचर ठीक है या नहीं। ऑयल को एक्सट्रीम हॉट कर लीजिए आप और उसके बाद आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए और उसके बाद ऐसे चम्मच से बॉल्स के चारों तरफ आप ऑयल को घुमाते रहिए। इससे क्या होगा कि इससे आपका जो गुलाब जामुन का बॉल है वो बिल्कुल इवनली कुक होगा और उसका कलर चारों तरफ से बिल्कुल बराबर होगा। ये देखिए, और उसके बाद इसे हम चाशनी में डाल देंगे। इसे चाशनी में डाल दिया मैंने। चाशनी में डालने के बाद इसे थोड़ा सा हिला दें आप ताकि बॉल्स चारों तरफ से गीली हो जाएं, और उसके बाद हम इसी तरीके से अपनी सारी बॉल्स को रिफाइंड में डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करते समय आप एक स्पून की मदद से इसे चारों तरफ से हिलाते रहें लगातार, और ये कुकिंग आपको लो फ्लेम पर करनी है। ये देखिए, ये कितने सॉफ्ट बॉल्स हैं जो कि बिल्कुल ऑयल में फ्लोट कर रहे हैं और ऊपर आ गए हैं। इनका कलर देखिए आप, क्या शानदार खूबसूरत कलर आया है गुलाब जामुन का। बस इतने ही स्टेज तक हम इसे फ्राई करेंगे। इससे ज़्यादा अगर आप फ्राई करेंगे तो आपके गुलाब जामुन ब्लैक हो जाएंगे। इसके बाद हम इसे शीरे में डाल देंगे और शीरे में डालने के बाद हम इसे थोड़ा चम्मच से हिला देंगे ताकि जो चाशनी है उसके अंदर गुलाब जामुन चारों तरफ से कोट हो जाए। ये लीजिए, हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए, क्या बढ़िया शानदार कलर आया है। बिल्कुल लाइट गुलाब जामुन है ये, अंदर से बिल्कुल बढ़िया इनमें टेक्सचर आया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक गुलाब जामुन को मैंने एक प्लेट में रखा है और इसे काट के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना परफेक्ट कुक हुआ है। इसे एक नाइफ की मदद से या एक स्पून की मदद से आप बीच से काटिए, और ये देखिए, ये देखें आप, ये बिल्कुल वैसा ही गुलाब जामुन बनकर तैयार हुआ है जैसा हम शादियों में, बारात में, फंक्शंस में हलवाई जो बनाता है गुलाब जामुन, वैसा गुलाब जामुन है ये। ये देखिए कितना परफेक्ट कलर है इसका। इसकी बाउंड्रीज बिल्कुल ब्राउन है और अंदर से इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही है जैसा गुलाब जामुन होता है। तो आज की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।